हिमालय में अभी भी बर्फ पड़ रही है, पीछे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, धुंधले धुंधले से हिमालय दिख रहे हैं। चलो 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 विष्णु, कम हियर कम हियर। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं बिल्कुल मस्त हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, पहला। आज एक नए दिन की शुरुआत एक नए व्लॉग के साथ करते हैं। तो गाइज, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं अभी। 9 बजने वाला है अभी, और आज का मौसम देखिए कितना ख़राब हो रखा है, धूप बिल्कुल नहीं आ रखी है। और आज हमारा प्लान था कहीं घूमने जाने का, क्योंकि आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। आज हमारी शादी को 3 साल पूरे हो जाते हैं, और काफ़ी अच्छी चल रही है हमारी लाइफ। तो आप सभी चाहो तो हमें एनिवर्सरी विश कर सकते हैं। आज सोच रहे थे कि थोड़ी आउटिंग कर लेंगे, लेकिन मौसम इतना ख़राब हो गया है। बिहान को तो मैंने सुना दिया है, बिहान सो चुके हैं, और दिखाती हूँ आपको आज का मौसम, और पतिदेव से भी मिलाती हूँ आपको आज। तो गाइस देखिए, ऐसा कुछ मौसम हो रहा है, देखिए कितनी बर्फ़ पड़ रखी है वहाँ पे, और आसमान में थोड़े काले बादल दिख रहे हैं, और ऐसा कुछ मौसम हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे भी हिमालय दिख रहे हैं। ये थोड़ा मैं, ये देखिए हिमालय की चोटियाँ, यहाँ भी बर्फ़ पड़ रखी है, यहाँ को सब बर्फ़ पड़ रखी है। और ना मैंने जैकेट पहन ली है, ये मेरी ना बहुत साल पुरानी जैकेट है, लेकिन इतनी अच्छी बढ़िया सी जैकेट है, इतनी गर्म हो रखी है। तो मैंने आज ये भी निकाल ली है, इसकी टोपी थोड़ी गायब हो गई है, मतलब इसकी टोपी थोड़ी खो गई है, पता नहीं कहाँ खोई है, उसको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन इतनी गर्म जैकेट है वो पहन ली मैंने, और बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, मतलब क्या बताऊँ आपको कितना ठंडा हो रहा है। तो गाइज़ ये है हमारे पतिदेव, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू, सेम टू यू। और मेरे लिए खाना लेके आए हैं, देखो आज आज ही मेरे लिए स्पेशल, अपने हाथ से बना के पूरियां लेके आए। एनिवर्सरी गिफ्ट, एनिवर्सरी गिफ्ट है। इसको इतना प्यार क्यों कर रहे हो फिर? चल खा। शोर ना। मैं खाती हूँ अपने पति देव के हाथ की बनाई पूरियां। छोली और पूरी ना मस्त हो रहा है, और इसके नाक पे लगी है, कैसा लग रहा है? क्या कर रहे हो आप? नीनू 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 कर लो। विष्णु कहाँ कर लो, कहाँ कर लो आप, जल्दी बताओ जल्दी। अब बात करो मम्मा से, जल्दी बात करो, मम्मा बोलो, मम्मा बोलो छिंगड़ू सिंह। तो गाइस अभी 2 बज चुका है, और विहान और मैं रेडी हो चुके हैं। हमने सोचा कुछ आउटिंग आउटिंग करके आते हैं, तो विहान और मैं जा रहे हैं उसके डैडी के साथ। तो मौसम देखिए अभी भी ऐसा ही हो रखा है, और आज तो धूप बिल्कुल आई नहीं अभी तक। ये दोनों बाप बेटे सोए थे, मतलब इसके पापा तो ज़्यादा सोए थे, ये तो थोड़ा सा सोया था बस आधा घंटा। सभी हम निकल गए, और मैंने विहान की ड्रेस भी चेंज कर ली, क्योंकि विहान ने ना पानी से गीला कर दिया था अपना ड्रेस, तो फिर इसकी ड्रेस भी चेंज करनी पड़ी। ये देखिए गाइस, यहाँ पे पानी, गाड़ी की धुलाई हो रही है, धुलाई मास्टर की। वो देखो, क्योंकि हमारी गाड़ी की धुलाई हो रखी है थोड़ी, समझ ही नहीं पा रहे कि क्या रखा है ऐसा इधर उधर घूमने में।
नीचे आ गए। तो गाइस हम अभी चौकड़ी पहुंच चुके हैं और हम ऐसे ही आए आज थोड़ी आउटिंग के लिए, हम तीनों के तीनों। और आज मौसम इतना ख़राब है, हिमालय में अभी भी बर्फ़ पड़ रही है, पीछे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, धुंधले धुंधले से हिमालय दिख रहे हैं, आपको वैसे दिख नहीं रहे होंगे। देखो एक दिन हम यहाँ पे बहुत आया करते थे, विहान को लेके आज पहली बार आ रखी हूँ मैं यहाँ पे। चलो दोनों आओ तो इधर को, इधर को आओ, जल्दी आओ जल्दी, बाबू और दैदी दोनों आएंगे। तलो 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 तलो, चलो चलो चलो, विष्णु कम हियर कम हियर, आओ आओ आओ, जल्दी 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 जल्दी। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। खाओगे आप या नहीं खाओगे? क्यों नहीं खाऊंगा, दोगे दो। ये कौन खाएगा फिर? विष्णु का हुआ, आप ऐसे क्यों देख ले हो, ये आपकी है पगलो। चलो गुड, ये तो दोनों दोनों बहुत चतोले हैं, डैडी और बेबी ना। मुझे कौन खिलाएगा चॉकलेट? अटकाना मत अंगली में। तो गाइस हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के हमने थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट भी कर लिया है और अभी जाके कुछ खाते हैं। और इतना बढ़िया सा हो रहा है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है, मतलब मैं तो बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ तो मुझे ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। और मेरे पेटे को चुंग 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 हो गई है। hey! आ जा बोल, आ जा बोलो, आ जा आ जा। है क्या, पहले इसको अंदर डालो। तो गाइस अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं, सीधे निकलते हैं, अब हम सीधे कुछ खाना वाना खाते हैं मस्त करके और एनिवर्सरी इंजॉय करते हैं अपनी। वैसे तो हमारा आना जाना हो नहीं पाता है, पति देव मेरे लेके नहीं आते हैं मुझे। देखो शक्ल देखो इनकी ध्यान से। हाँ देख लो मेरी शक्ल ध्यान से, किसी को पसंद आ जाए तो बता देना। किसी को पसंद भी आ जाए तो ना ध्यान मत देना, क्योंकि रास्ते में तुम्हें मैं मिलूंगी, पंगा लेना पड़ेगा मुझसे। वो बिचनू मेरी मम्मा चे और मुझसे पंगा लेना पड़ेगा क्या? तो गाइस मेरे गर्मा गर्म मोमोस आ गए हैं, इसको खाती हूँ जल्दी जल्दी। खराब नहीं हो रहा ना? तो गाइस अभी हम घर पहुंचने वाले हैं, अभी हम पहुंचे हैं तिल्लू भैया की शॉप पे, यहाँ से कुछ लेते हैं फिर चलते हैं। ये गए हैं यहाँ पे खीरे लेने, ये मैसेज आ गए मेरे। क्यों गाइस अभी हम घर पहुंच चुके हैं और अभी 5:15 हो गया है और घर पहुंच गए। और क्या बताऊं, इतना ठंडा हो रहा है ना, अभी तक तो गाड़ी के अंदर तक गर्मी लग रही थी, अब इतना ठंडा हो रहा है। विहान के लिए टीवी भी चल गया ना। विष्णु अच्छो 7:30 हो चुके हैं और मैंने खाना भी खा लिया है और विहान भी सो गया है और मैं अपना व्लॉग भी अब यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग भी, तब तक के लिए बाय बाय।